चुनावी आंकड़े की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में तगड़ी बहस। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में फिर भिड़े एडीआर चुनाव आयोग। याचिकाकर्ता चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। चुनावी डेटा को जारी करने के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फिलहाल लंबित रखा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले एक बार फिर चुनाव आयोग और याचिकाकर्ता एडीआर में तगड़ी भिड़ंत हुई है। दोनों तरफ से जोरदार दलीलें दी गईं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवाल तलब किए। हालांकि चुनाव आयोग को फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली है, लेकिन याचिकाकर्ता एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसे राहत नहीं लेने दी। चुनावी डेटा से संबंधित इस केस में सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या क्या दलीलें पेश की, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, चलिए जानते हैं। शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग की दलीलों से। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कई दलीलें पेश की, जिनमें से मुख्य बातें हम आपको बता रहे हैं। 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की एक याचिका खारिज कर फैसला दिया था। उसकी जानकारी छुपाकर 9 मई को नई याचिका दाखिल की गई। ये कोर्ट से तथ्य छुपाने का मामला है। इस आधार पर नई याचिका सुनवाई के लायक ही नहीं है। वोटिंग परसेंटेज को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जो वोटर्स को मतदान नहीं करने के लिए प्रेरित करेगा। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मतदान का अंतिम आंकड़ा 5 से 6% ज्यादा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मतदान के दिन ऐप पर जो आंकड़ा आता है वो पूरी तरह से सही नहीं होता। उसका वेरिफिकेशन कर अंतिम आंकड़ा बाद में आता है और ये व्यवस्था पहले से ही रही है। ऐसी याचिकाएं मतदान के प्रति लोगों के उत्साह को कम करती हैं और मतदान प्रतिशतता को गिराती हैं। हर बूथ पर उम्मीदवारों का एजेंट होता है, यानी कि उम्मीदवारों की तरफ से लाखों लोग इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उन्हें उसी दिन फॉर्म 17C दे दिया जाता है। वहीं चुनाव आयोग की इन दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर से सवाल भी दागे और याचिकाकर्ता एडीआर को फटकार भी लगाई। चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। आपकी प्रेयर क्या है, ये 2019 की आपकी मूल याचिका में भी है। बीच चुनाव में अंतरिम आवेदन के जरिए मांग कैसे उठाई जा सकती है। अगर बीच में घटनाक्रम बदल जाए तो कोर्ट को क्या करना चाहिए। आपने 2019 में रखी मांग को 26 अप्रैल से पहले क्यों नहीं उठाया। 26 अप्रैल के फैसले के बाद नया अंतरिम आवेदन क्यों दाखिल किया। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी मांग सुनने लायक नहीं, लेकिन आपने 2019 से लंबित याचिका पर अचानक बीच में अंतरिम आवेदन क्यों किया। आप मुख्य मामले को लड़ते, हो सकता है कि आपको सफलता भी मिलती। आपकी याचिका आ बैल मुझे मार जैसी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी फटकार पर एडीआर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं ये मान रहा हूँ कि दोनों याचिकाओं में से एक ही प्रेरर है, लेकिन फिलहाल मेरे मुवक्किल को अपनी याचिका के दस्तावेज भी नहीं मिल सकते। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वह दस्तावेज जिनके पास थे, मेरे मुवक्किल के अब उनसे संबंध नहीं है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब इस याचिका को लंबित रख लिया है। अब इस याचिका पर चुनाव के बाद सुनवाई होगी, जिसका सबको इंतजार रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।